हेलो निशा, यशोदा। हेलो, हाय। तो कुछ क्वेरीज हैं, है ना? जी। आप उनका बताना कि कैसे क्या करना होता है। फर्स्ट तो ये क्वेरी है कि कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होती है, फर्स्ट काउंसलिंग की, सेकंड काउंसलिंग की, थोड़ा थोड़ा बता दो। फर्स्ट काउंसलिंग में एक्चुअली हम आए थे, तो हम उसी के बारे में आपको पहले बता रहे थे कि फर्स्ट काउंसलिंग में ना, जब आपको आना है तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेकर के आएँ, और उनके साथ आप अपनी जो फोटोकॉपीज हैं वो उनके भी 2 या 3 सेट तो रख ही लें, तो ये भी ज़रूरी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आप है ना, और डॉक्यूमेंट्स का मैंने पहली वाली वीडियो में बता ही दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। 10 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उनका आप वो वाली वीडियो देख लेना। और आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, फिर आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, आराम से टीचर्स बैठेंगे, सभी को एक एक करके वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद आप ना डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दिए जाएंगे और आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। हॉस्टल भी यहीं पे अलॉट होगा इसी प्रोसेस में, और मैथ्स की जो फीस है वो भी आप यदि यही जमा हाँ और यही कॉलेज आप ले रहे हैं तो आपको यहीं पे जमा करवानी होगी उसी टाइम पे, वो आपको बता दी जाएगी इन्फॉर्म करके पहले से ही। और यदि आप फर्दर सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, अपग्रेडेड कोई कॉलेज चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स तो यहीं लेकर आने हैं और वो वेरीफाई भी यहीं होंगे, लेकिन आप अपग्रेडेशन का उसमें अलग से डालेंगे और अपग्रेड के लिए वो चला जाएगा, और आपको जब दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लेने हैं, वो यहीं से कॉलेज ही आपको नेक्स्ट जो अपग्रेडेड कॉलेज है उसमें अपने आप भेज देगा, ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर जो आपको पहला कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा देने हैं, बट उसकी बहुत सारी फोटोकॉपीज करवा के रखनी है अपने साथ में। और जैसे ही आपने सोचा कि नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपकी कोई मैथ्स फीस जमा नहीं होगी। जो आपको दूसरा सेकंड राउंड के लिए आप जा रहे हो, दूसरा कॉलेज आपको जो अलॉट हो रहा है, तो पहला वाला कॉलेज आपको एक पेपर देता है, वो पेपर जरूरी है कि आपको साथ में रखना है। दूसरे वाले कॉलेज में सिर्फ आपकी फोटोकॉपीज जमा होंगी, और जो पहले वाले कॉलेज में जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा थे वो दूसरे वाले कॉलेज में पहला वाला कॉलेज अपने आप भेज देगा। बस आपको वो अपना पेपर साथ में रखना है जो आपको पहले वाले कॉलेज ने दिया था। अगर आप दूसरा वाला यानी कि अपग्रेडेड कॉलेज ले रहे हो, तो उसी में आपको आपकी मैथ्स फीस और जो भी आपकी कॉलेज फीस है वो जमा करनी है, और सिर्फ आपकी फोटोकॉपीज जमा होंगी। इसलिए बहुत सारी फोटोकॉपीज पहले ही करवा के रखें हर एक डॉक्यूमेंट की। और यहाँ की जशोदा मैथ्स फीस कितनी है? तो यहाँ पे 36,000 फीस है मैथ्स की, और वो भी आपको सारी एक साथ जमा करना। हाँ, यहाँ पर 36,500 मैथ्स फीस है एम्स जोधपुर की, और एक साथ ही जमा करानी होती है, और ये एक साल की फीस है। और अपनी कॉलेज की फीस? अपनी कॉलेज की ना 2100 रुपये फीस है वैसे तो। हाँ, 1000 रुपये क्वेश्चन मनी जमा होता है जो आपको वापस मिल जाता है, रिफंड हो जाएगा। हाँ, तो अप्रोक्स ना मात्र फीस है, और भी 4 साल के लिए फीस है ये। और ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर एक एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। हाँ। तो कोई भी आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो, भी एक साल कंप्लीट होने वाला है तो। हमने काफ़ी वैसे तो हमें मज़ा भी आ रहा है सीखने में, है ना, बहुत कुछ सीखा भी है, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उन सबको है ना कॉलेज के हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वो हमारे साथ रहते हैं पूरा टाइम, बोर्ड में हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, नए एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप आइए और उनको फेस कीजिए। और यूनिफॉर्म का कैसा रहता है अपना, शुरू में अपने कैसे यूनिफॉर्म थी? फॉर्मल्स तो फॉर्मल्स में आप रखेंगे आपका कुर्ता, और नीचे आप रख सकते हैं लेगिंग या कोई ये जीन्स वगैरह आप नहीं पहन पाएंगे, और कुर्ते जो होंगे वो ना नी लेंथ तक तो में होना ही चाहिए, नी लेंथ से ऊपर वाले शॉर्ट कुर्ते आप ना पहने तो बढ़िया होगा, और उसके अलावा आप शूज सैंडल्स फॉर्मल्स में रख सकते हैं, यानी कि फॉर्मल्स कपड़े पहनने हैं यहाँ पर। और जो हम हॉस्पिटल जाते हैं तो आप देख ही रहे हो, दोनों ने स्क्रब पहने हुए हैं, तो ये हमारी हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म है। आपको मिल जाएगा स्क्रब, मिल जाएगा और एप्रन मिल जाएगा, तो आप उसकी टेंशन ना लें अभी। और डाउट ये भी है कि यूनिफॉर्म कहाँ मिलेगी, यहीं पर आपको यूनिफॉर्म मिलेगी? सब मेजरमेंट होगा प्रॉपर, उसके बाद आपकी प्रॉपर ड्रेस बनकर आएगी, उसके लिए थोड़ा आपको अलग से पे करना होगा, लेकिन आपकी बहुत अच्छी ड्रेस यहीं पर बन जाएगी, आपको उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। और बुक्स अपने सीनियर से ले सकते हो, बुक्स बाहर से ले सकते हो, हम आपको देंगे बुक्स। सो थैंक यू निशा, यशोदा, थैंक यू। तो ये ब्यूटीफुल सा गार्डन एज यूजुअल जो मैं दिखाती हूँ। सो बाय बाय, जो भी डाउट है मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, थैंक यू।